सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त छात्रों को मेरा ढेर सारा स्नेह। आइए हम सब लोग कक्षा 10 की क्षितिज नामक पुस्तक से स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा अध्याय का अध्ययन करते हैं। हम सब माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। नेताजी का चश्मा नामक कहानी जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। स्वयं प्रकाश जी मानव मन के गहन भावों के चितेरे हैं। इन्होंने कहानी में पहले लिखा हुआ है, एक कस्बा है जिस कस्बे के बीच में चौराहे पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई है। हालदार साहब अपने काम से प्रायः उधर से गुजरते रहते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि वहाँ पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति में चश्मा पत्थर का नहीं बल्कि वास्तविक चश्मा लगा हुआ है और उसमें वो चश्मा बदलता भी है। कहानी को आगे हम लोग पढ़ के देखते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। इनके मन में दुविधा उठी, आखिर ये चश्मा बदलता कैसे है? मूर्ति पे अगर चश्मा लगा भी दिया गया है तो हर बार बदलने की संभावना कैसे हो जाती है, बदल कैसे जाता है? और जो बदलता है वो इतना नेताजी का प्रेमी कैसे है जो नेताजी का इतना ख्याल करता है? कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी धूपी चश्मा, कभी काला चश्मा, कभी लाल चश्मा, तमाम चश्मे इनकी आँखों पर आते हैं और फिट बैठा दिए जाते हैं। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए, पूरा रास्ता धूल से भरा हुआ था। रास्ता गांव का था, कस्बे का था, इसलिए वहां से इनको बार बार जाना भी पड़ता था। और धूल धूसरित हुए हालदार साहब एक बार उस मूर्ति की तरफ निगाह जरूर डालते थे, निगाह ही नहीं डालते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे। उनके मन में ये भाव उठते थे, आखिर वो कौन है जो नेताजी को इतना मान देता है, इतने प्रेम के साथ उनके चश्मे को बदल दिया करता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ, मिस प्रिंट है आप जान लें, फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अजीब लगा, चश्मा भी नहीं है, पान की दुकान बंद है। जिस पान की दुकान पे हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त किए थे पूछ करके, जिस दुकान पर हालदार साहब पान खाया करते थे, वह पान की भी दुकान बंद है, कई सारी दुकानें बंद हैं और नेताजी के आँखों पर चश्मा भी नहीं है। अगली बार भी मूर्ति की आँखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया, धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आँखों पर चश्मा नहीं? हालदार साहब से नहीं रहा गया, मन में भावनाएं हिलोरें ले रही थीं, पूछ ही बैठे पान वाले से, क्यों साहब, क्यों भाई, साहब नहीं, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या कारण है, कहाँ गया वो चश्मा बदलने वाला, आखिर उसने आज क्यों नहीं बदला? पान वाला उदास हो गया। देखिए, कुछ लोग होते हैं दूसरे की बातों पर मजे लेते हैं, हंसते जरूर हैं, लेकिन दुखी देख करके वो लोग भी दुखी हो जाते हैं। पान वाला उदास हुआ, उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उसने बताया, साहब वो कैप्टन मर गया जिसका परिचय मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि चश्मा बेचने वाला एक बूढ़ा सा मरियल सा व्यक्ति है जो चश्मा बेचता है, उसके पास चश्मे की दुकान नहीं है, डंडे के सहारे अपनी चलती फिरती दुकान खड़ी कर लेता है और चश्मे बेच देता है, वही नेताजी के आँखों पर चश्मा बदल दिया करता है। आज वह कैप्टन मर गया और इसलिए शायद जब वो मरा होगा उसके पहले नेताजी की आँखों से उसने चश्मा उतारा होगा और दोबारा ला करके उनको पहना नहीं पाया होगा और वो मर गया होगा, इसलिए आज नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे की है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे।
इतनी बात सुनकर के हलदार साहब भावुक हो गए। दूसरी बात पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हुई मारे भावुकता के। कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ देर खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। पान का पैसा दिया, जीप में आए, बैठे और चल दिए वहाँ से। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती। हलदार साहब सोचते जा रहे हैं ये वही पान वाला है जो उस लंगड़े व्यक्ति पर, उस कैप्टन पर, उस बूढ़े व्यक्ति पर, चश्मा बेचने वाले व्यक्ति पर हंसता था, मजे लेता था, तोंद थिरकती थी उसकी बात करने पर, मजे ले लेकर के बताता था कैप्टन है साहब, चश्मा बदलता है साहब, जो भी कहता था वो। ऐसे लोग कितने गंदे हैं, हंसने के नाते नहीं गंदे हैं, इसलिए गंदे हैं कि देशभक्ति पे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के प्रति श्रद्धावान है वह व्यक्ति जिसको कैप्टन व्यंग में कहते हैं, मजाक में कहते हैं, क्योंकि वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है। तो कहते हैं ऐसी कौम, ऐसी जाति जो मानव है देश पर सब कुछ अपना कुर्बान कर देने वाले, जवानी जिंदगी सब होम कर देने वाले जो सैनिक हैं, उनके नाम पे लंगड़े बूढ़े व्यक्ति पर व्यंग कसना ये कितना दुखद है। क्योंकि जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे ऐसे लोगों के नाम की भी इज्जत होनी चाहिए, इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये लोग अगर बिकने का मौका मिल जाए तो बिकने में पीछे नहीं रहते, पैसा पाएंगे सही गलत सब करेंगे। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। जैसे ही घुसने वाले थे कस्बे में तैसे उनको याद आया कि जहाँ मेन चौराहा है वो हृदय स्थली जैसा है, शरीर के बीच का भाग जैसा है, वहाँ पे सुभाष जी की प्रतिमा जरूर होगी। और प्रतिमा होगी तो, लेकिन आँखों पे चश्मा नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ड्राइवर को चैतन्य कर दिया। सोचा क्यों रुके अब वहाँ, जिसके नाते, जिसकी जानकारी लेने के लिए रुकते थे, जिसके नाते कौतूहल उत्पन्न होता था, हम देखते थे, वो सब कुछ आज वहाँ है ही नहीं, कैप्टन मर ही गया है। नेताजी की मूर्ति भी अधूरी सी दिखेगी, नेताजी की मूर्ति दिखेगी तो कैप्टन का दुख सामने आएगा और वहाँ रुकने से दुखी ही होना है। और वो दुख भी सामने आएगा कि ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। इसलिए ड्राइवर को सतर्क किया और न रुकने के लिए कह दिया। लेकिन आदत से मजबूर आँखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। आदमी की आदत, जब आदमी सोच लेता कि ये काम नहीं करूँगा तो उधर निगाह जरूर जाती है। अगर किसी को मना कर दिया जाए कि इधर मत देखो तो उधर जरूर वो देखेगा, अगर न कुछ बोला जाए तो शायद बगैर देखे भी निकल जाएगा। ये इनकी भी आदत थी चौराहे पर मूर्ति की तरफ देखना, और मजबूरी थी, इनकी आँखें उधर चली ही गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, कुछ एकाएक ऐसा दिख गया कि चिल्ला के बोले रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि आखिर ये क्यों एकाएक जीप बड़े झटके से रुक रही है, कुछ ये सामने तो नहीं आई, फिर इतने तेजी से जीप क्यों रोकी जा रही है। जीप रुकते न रुकते हलदार साहब जीप से कूद कर बाहर आ गए। जीप पूरे तरीके से नहीं रुकने पाई, हलदार साहब जीप के बाहर आ पहुंचे, तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। हलदार साहब बाहर आ गए, मूर्ति के सामने पहुंचते हैं, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं बड़े श्रद्धा के साथ। आखिर हुआ क्या इस तरह से, हलदार साहब एकाएक क्यों निकल पड़े, क्यों जीप रुकवा ली, क्यों आके सावधान मुद्रा में खड़े हो रहे हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, आज देखा अरे मूर्ति के आंखों पर तो घास फूस, सरकंडा सरपत नाम की एक घास उसमें पाई जाने वाली लकड़ी, उसी से बना हुआ छोटा सा चश्मा आंखों पे लगाया गया हुआ है, जैसा बच्चे बना लेते हैं,
ऐसा चश्मा तो कोई बड़ा है और सयाना व्यक्ति नहीं बनाता, बच्चे ही बनाते हैं। ऐसा चश्मा रखा हुआ था और उस चश्मे को देखा, हालदार साहब भावुक हैं, हालदार साहब बड़े कोमल मन वाले हैं, बड़े आपके शब्दों में कहा जाता है इमोशनल हैं, भावनात्मक हैं, किसी की भावनाएं उनको छू जाती हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखों का भरना जायज़ था, क्योंकि हालदार साहब बहुत दुखी हैं आज। क्यों दुखी हैं? कि अरे केवल वो कैप्टन ही नहीं, केवल वो चश्मा बेचने वाला ही नहीं, और भी कोई है इस कस्बे में जिसके दिल में, जिसके मन में, जिसके हृदय में कम से कम नेताजी की मूर्ति के प्रति इतने श्रद्धा से भरे हुए भाव हैं कि नेताजी की मूर्ति पर वो कोई बच्चा है, कोई नन्हा बच्चा है जो मूर्ति तक पहुंच तो सकता है लेकिन उनके लिए अच्छे चश्मे का जुगाड़ नहीं कर सकता, और उस बच्चे ने सरकंडे से बना हुआ चश्मा ही पहना करके नेताजी की मूर्ति को सुशोभित कर दिया है। बात सरकंडे की नहीं है, बात यहाँ देशभक्ति की भावना की है। कौन है वो, कौन सा बच्चा हो सकता है, क्या मन में उसके आया होगा, शायद उसके मन में भी देशभक्ति की भावना उफान मारी होगी, देशभक्ति की भावना से वो जरूर जुड़ा होगा, इसीलिए उस बच्चे ने नेताजी की आंखों पे सरकंडे का चश्मा लगा रखा है। अन्यथा यदि इतने सुंदर भाव न होते तो कोई बच्चा ऐसा काम करने के लिए आतुर कदापि नहीं होता। नेताजी का हृदय बच्चे के अंदर की देशभक्ति की भावना देख करके गदगद हुआ, वे भावुक हो गए और इतना सारा प्रेम देख करके इनकी आंखें छलछलाईं, आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि देश में दोनों तरह के लोगों की कमी नहीं है, अगर देशभक्तों पे हंसने वाले हैं तो देशभक्ति के लिए वो नन्हे मुन्ने जिनको देशभक्ति की शायद पूरी परिभाषा भी नहीं पता हो, ऐसे बच्चे भी हैं जो मूर्ति को चश्मा तो नहीं दे सकते लेकिन खेलने वाला चश्मा ही, सरकंडे का बना हुआ चश्मा ही पिन्हा रखे हैं ताकि नेताजी का अधूरापन पूरा हो सके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो में हम प्रश्न और उत्तर की व्याख्या फिर से करेंगे।